बड़सा विधानसभा क्षेत्र के टिक्कर राजपुता के मैदान में सांसद स्टार खेल महाकुंभ का आगाज किया गया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने शिरकत की। कार्यक्रम में पूर्व विधायक बलदेव शर्मा व प्रदेश भाजपा से प्रवक्ता नरेंद्र अत्री ने वरिष्ठ अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। खेल महाकुंभ में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। ये बात ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने बिजड़ ब्लॉक के टिक्कर राजपुता में खेल महाकुंभ के शुभारंभ अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि खेलों के माध्यम से युवाओं को नशे से दूर रहने की प्रेरणा दी जा रही है, वहीं हिमाचल तथा देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमकाने के लिए भी बेहतर अवसर है। उन्होंने कहा कि इस खेल महाकुंभ में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की 800 से ज्यादा पंचायतों के 5200 से ज्यादा गांव के 1300 से ज्यादा टीमों के जरिए 1,00,000 से ज्यादा युवा जुड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 तक न्यू इंडिया विजन के साथ देश को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने की इच्छा शक्ति के साथ काम कर रहे हैं। खेल का सेक्टर भी इससे अछूता नहीं है और समय की मांग है कि हम सिर्फ खेलों को देखने या पसंद करने वाले नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम रोशन करने वाले विश्व स्तरीय खिलाड़ी पैदा करने वाले देश के रूप में पहचान कायम करना जरूरी है। आज पूरे संसदीय क्षेत्र के अंदर ऐसे कार्यक्रम जो है वो शुरू हुए और ये जो आयोजन हो रहा है जिसका थीम भी जो है वो साथ लिखा गया है कि हिमाचल का सपना है कि अगला ओलंपिक अपना है। आज अनुराग ठाकुर जी ने जो ग्रामीण क्षेत्रों से जो प्रतिभाओं को तराशने के लिए इस तरह का खेल महाकुंभ योजन का आयोजन किया गया है कि जैसे आने वाला जो ओलंपिक गेम्स होगी तो कोई ना कोई खिलाड़ी जो है वो आज इसे ग्रामीण स्तर से और इस खेल महाकुंभ के माध्यम से निकलेगा, ये आशा जो है वो उन्होंने अपने इस उद्देश्य के जो है वो जागृत किए। अगर हम आज देखते हैं पूरे देश के अंदर जिस तरह से पूरी दुनिया के अंदर भारत वर्ष जो है बहुत बड़ा देश है, 140 करोड़ का ये देश हो गया, लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर कोई खेल का मुकाबला होता है तो उस अंक तालिका में हम सबसे पीछे होते हैं। क्या हमको लगता है कि क्या इतना बड़ा विशाल भारत क्या खेल के मैदान में इतना क्यों पिछड़ रहा है? तो लगता है कि यहां पर इस देश की जो सरकारें रही पूर्व में उन्होंने कभी जो है वो खेल को जो है प्राथमिकता दी नहीं, कभी जो है वो इस देश के अंदर खेल को जो है वो महत्व नहीं दिया गया। लेकिन जब से केंद्र के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है और जैसे कहा कि पूर्व में प्रदेश के अंदर भूपेंद्र जी की सरकार थी तो मैंने इसको खेल को जो है वो प्राथमिकता के ऊपर रखा। इससे पहले पूर्व विधायक बलदेव शर्मा ने कहा कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने और उन्हें एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाने के लिए खेल महाकुंभ का एक सराहनीय पहल है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण और पंचायत स्तर पर बहुत सी अनूठी प्रतिभाएं मौजूद हैं जिन्हें बस ढूंढ कर सामने लाने के लिए एक मंच की जरूरत है। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश सह प्रवक्ता नरेंद्र अत्री ने कहा कि खेल महाकुंभ अपनी तरफ का एक बहुत ही अलग और बढ़िया खेल आयोजन है। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति के समग्र विकास और राष्ट्र निर्माण में खेलों की अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि सांसद अनुराग ठाकुर के प्रयासों से आज हिमाचल प्रदेश में खेलों का नया ढांचा विकसित हो रहा है। धर्मशाला में स्टेडियम बनने से हिमाचल प्रदेश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली है और खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित हुए हैं। इस अवसर पर वॉलीबॉल का प्रदर्शनी मैच भी खेला गया। नौजवान साथियों, आप सबको बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। बहुत हर्ष का विषय है जिस खेल महाकुंभ ने मात्र पिछले 4 दिनों में पूरे राष्ट्र भर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। वो खेल महाकुंभ आज सुबह माननीय मंत्री जी के कार्यक्रमों द्वारा बंगाला में शुरू हुआ और आज दोपहर को आपके विधानसभा क्षेत्र में शुरू हुआ। साथियों, ये शुरुआत श्री अनुराग ठाकुर जी जो हमारे आपके सांसद हैं उन्होंने की है। ये शुरुआत श्री अनुराग ठाकुर जी ने की है उस युवा शक्ति को सशक्त करने की
जिस युवा शक्ति के दम पर हमारे देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भारत को न्यू इंडिया बनाना चाहते हैं, भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, भारत को समूचे विश्व का नेतृत्व देना चाहते हैं। सर्वविदित है किस तरह की चुनौतियां आज युवा झेल रहा है। दूसरी तरफ कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें ऐसी भी हैं जो हमारे देश की युवा शक्ति को क्षीण करने को उतार रही है। उसका एग्जाम्पल, उसके उदाहरण आए दिन अखबारों में पढ़ने को मिलते हैं। जब हम पढ़ते हैं कि हमीरपुर में एक 22 वर्षीय युवती कोकीन के साथ पकड़ी जाती है, अभी दो दिन पहले बिलासपुर में एक स्नूकर क्लब के अंदर रात के अंधेरे में ड्रग्स का काला कारोबार चल रहा है, ऐसे गांव गांव में नशा माफिया के तौर पर ऐसे राष्ट्र विरोधी लोग अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनका एक और एकमात्र उद्देश्य अपने कुछ लाभ के लिए इस देश की युवा शक्ति को कमजोर करना है।